अगर आप लोग पास्ट में ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स में लगातार लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं और लोअर सर्किट लगने की वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है। लेकिन अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आप लोगों को लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है और क्या आपको फ्यूचर के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले समझते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स की प्राइस के गिरने के पीछे का रीजन क्या है। रिसेंटली ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट ने सेबी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन फाइल किए थे और यहाँ पर इन सारे डॉक्यूमेंट्स में बैंक के स्टेटमेंट को भी इंक्लूड किया था। लेकिन जब सेबी ने इनके बैंक के स्टेटमेंट को स्क्रूटिनाइज किया तब यहाँ पर उन्हें पता चला कि ये बैंक का स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और ये बैंक का स्टेटमेंट जो है वो फ्रॉडुलेंट है। मतलब इस कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बैंक के फ्रॉड स्टेटमेंट को क्रिएट किया और इस स्टेटमेंट को सबमिट किया सेबी के पास। इससे पहले मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं जहां पर फेक रिसीट्स दिखाकर अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं और अपने बिजनेस के रिसीट्स को छुपाया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेबी के पास फाइल किया गया है फ्रॉड स्टेटमेंट। ब्राइटकॉम्स ग्रुप ने जो बैंक का स्टेटमेंट फाइल किया है सेबी के पास वो फ्रॉडुलेंट है कि नहीं अभी तक इस बात का पूरा पता नहीं चला है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में यहां पर जितने भी ट्रांजेक्शन है इसमें से काफी सारे ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट हैं। मतलब जो ट्रांजेक्शन बैंक में हुए ही नहीं है वो उनके स्टेटमेंट में दिखाई दे रहे हैं। देखो, जब भी किसी भी कंपनी को अपने ऑपरेशंस को मैनिपुलेट करना होता है तब यहाँ पर कंपनीज ऐसा काम करती हैं। और ब्राइटकॉम ग्रुप की इस एक्टिविटी के बाद सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं और करंटली ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ऑर्डर्स भी दिए हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन की और इनके प्रॉपर्टीज वगैरह की स्क्रूटिनी करने के लिए। और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में करंटली न्यूज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रही है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज की स्क्रूटिनी की जा रही है और यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया जा रहा है। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। ये एक पैनी कैटेगरी का शेयर है जहां पर इन्वेस्टमेंट करके लोगों को लगता है कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, लेकिन इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि पैनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके किसी को फायदा नहीं हुआ है। अगर आप लोग पैनी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक फायदा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जाकर यहाँ पर आपको लॉसेस ही फेस करने मिलते हैं। अगर आप लोग करंटली ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो करंटली ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप एक दिन की परफॉर्मेंस देखेंगे, एक हफ्ते की परफॉर्मेंस देखेंगे, एक महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर आप लोग इस कंपनी के 6 महीने की परफॉर्मेंस भी देखेंगे तब यहाँ पर भी आपको डाउनफॉल दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप लोग मार्केट की सिचुएशन को देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में ऐसे बहुत सारे जगह पर रिसेशन आ चुका है, बहुत सारे जगह पर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई है और इस चीज का इंपैक्ट इंडिया के स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है और इसके वजह से भी इस कंपनी के शेयर्स में करेक्शंस आते जा रहे थे। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो समझ में आ गया है कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है और इसके पीछे का रीजन क्या है। लेकिन अगर आप लोगों ने ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि करंटली आपको इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और करंटली क्या मैं तो कहूंगा आपको कि लाइफ टाइम में आपको ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो और शेयर्स की प्राइस बहुत कम हो, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है और उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस कम होती है तब आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपको जितने प्रॉफिट दिखाई दे रहे हो उससे ज्यादा लॉस बियर करना पड़े। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए top 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।